डियर लर्नर्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स में जो पढ़ाया जाने वाला क्लास फोर के ईवीएस बुक से यूनिट नंबर फाइव पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंसी एंड सेफ्टी मेजर्स के टॉपिक में से हम लोग यूनिट नंबर 18 पढ़ेंगे, या चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब चैप्टर के नाम से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। On several occasions, you will find animals being used to transport. बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिनमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। Animals have been used to travel from one place to another. और जानवरों का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी किया जाता है। Animals like oxen, bulls, camels and donkeys are used to carry loads and to pull carts. एनिमल जैसे ऑक्सन हो गए, बुल्स हो गए, कैमल्स हो गए या डोंकीज हो गए, इनका इस्तेमाल किया जाता है सामानों को ढोने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाद कर ले जाने के लिए। दूसरा होता है कि गाड़ियों को, छोटे छोटे गाड़ियों को खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सम प्लेसेस एनिमल्स आर यूज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स। कुछ जगहों, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आधुनिक यातायात का साधन नहीं पहुँचे हैं, इसके कारण उन्हें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वाइल इन सम अदर प्लेसेस दे आर यूज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। और कई राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल रीति रिवाज के तौर पर किया जाता है। लेट अस सी द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनिमल्स आर यूज। चलिए अब आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिंग ट्रांसपोर्ट, पुलिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गाड़ियों को खींचना। एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमनली यूज टू पुल कार्ट्स विच कैरी पीपल एंड हैवी लोड्स। जानवर जैसे घोड़े हो गए, बुलॉक्स हो गए, बैल हो गए और ऊँट हो गए, इसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। खास तौर पर कह सकते हैं या आम तौर पर भी किया कह सकते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों को खींचने के लिए या फिर भारी भरकम सामानों को खींचने के लिए। कैमल्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल्स इन डेजर्ट्स। ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में या फिर लोगों को ले जाने में। कहाँ पर? रेगिस्तान में, यानी मरुभूमि में। दैट इज़ वाई अ कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसी कारण से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। डोंकीज आर यूज टू कैरी लोड्स इन विलेजेस। जो डोंकीज होते हैं, जिन्हें हम लोग गधे कहते हैं या फिर कुछ खच्चड़ भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है सामानों को लाद कर ले जाने में। इन हिली रीजियंस डोंकीज, म्यूल्स एंड याक्स आर यूज टू कैरी पीपल। पहाड़ी क्षेत्रों में गधों का इस्तेमाल किया जाता है, खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है और याक का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। याक्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स इन लद्दाख। याक जो है वो लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डॉग्स एंड रेंडियर्स आर यूज टू पुल कार्ट्स विदाउट व्हील कॉल्ड स्लेज एट प्लेसेस वेयर द लैंड इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। डॉग्स और रेंडियर्स का इस्तेमाल किया जाता है बिना पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए, जो कि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उन बिना पहिए वाले गाड़ियों को हम लोग कहते हैं स्लेज। ये उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पूरे साल भर बर्फ रहते हैं। हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन यूज इन सॉरी हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन इन यूज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे वर यूज्ड इन बैटल फील्ड्स। घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल अधिकतर रणभूमि में किया जाता है, यानी युद्ध भूमि में भी किया जाता है। टुडे इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया मेयर्स आर यूज टू कैरी द ब्राइड ग्रूम्स टू हिज वेडिंग वेन्यू। आज के समय में फीमेल हॉर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ब्राइड ग्रूम को
ले जाने के लिए वेन्यू तक। ब्राइडग्रूम का मतलब होता है नवविवाहित जोड़ा, जैसे हम लोग दूल्हा दुल्हन भी कहते हैं। उन्हें उनके विवाह वाले स्थान तक ले जाया जाता है। टू व्हील्ड कैरेज ड्रॉन बाय अ सिंगल हॉर्स इज कॉल्ड अ तोंगा। दो पहियों वाली एक छोटी सी रथ जैसी गाड़ी होती है, उसे हम लोग कहते हैं तांगा। हॉर्सेज आर ऑल्सो यूज टू प्ले पोलो। घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है पोलो खेल खेलने के लिए। नाउ डेज एलिफेंट्स आर यूज टू पुल हैवी लोड्स और ट्रंक्स ऑफ अ फॉलन ट्री। आज के दिनों में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है भारी भरकम लकड़ियों को उठाने में, या फिर मोटे मोटे जो पेड़ टूट कर गिर जाते हैं उनके तनों को उठाकर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज टूरिस्ट इंजॉय वॉचिंग अदर एनिमल्स राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मतलब होता है वन्य संरक्षण, जहाँ पर जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है उनकी प्राकृतिक हैबिटेट के अंदर। तो उन जगहों पर जो टूरिस्ट होते हैं वो हाथी के पीठ पर सवार होकर के बाकी जानवरों को देखते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एलिफेंट सफारी। इसे हम लोग एलिफेंट सफारी भी कहते हैं। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन मेनी टेंपल सेरेमनीज। एलिफेंट्स का इस्तेमाल बहुत सारे टेंपल में, मंदिरों में किया जाता है। दे आर डेकोरेटेड एंड आर पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेशंस। इन्हें बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उन पर बड़े बड़े झांकियां निकाली जाती है, बड़े बड़े रैली निकाले जाते हैं। केयरिंग फॉर एनिमल्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वाइटल टॉपिक है। इसमें हमें बताया जाता है किस प्रकार हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। एनिमल्स हेल्प अस इन अ नंबर ऑफ वेज। एनिमल्स जो हैं वो हमें बहुत तरीक़ों से हेल्प करते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स एंड बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स। हमें जानवरों की बहुत अच्छी से देखभाल करनी चाहिए और उनकी हर ज़रूरतों को बड़े ध्यानपूर्वक हम लोगों को पूरा करना चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज। हम लोग जानवरों का किस प्रकार से ख्याल रख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें क्या करना चाहिए, जानवरों को सही पौष्टिक आहार देना चाहिए और साथ ही साथ साफ सुथरा पानी देना चाहिए पीने के लिए। वी शुड कीप देम इन अ प्रॉपर शेल्टर। उन्हें एक अच्छे आश्रय के नीचे रखना चाहिए, उनके लिए अच्छा स्टबल बनाना चाहिए। शेल्टर शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली, और जहां वो जानवर रहते हैं उस जगह को रोज साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम व्हेन दे आर ईटिंग। जब वो खाना खा रहे हों तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव देम इनफ रेस्ट। उन्हें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। वी शुड गिव देम बाथ रेगुलरली। हमें उन्हें रोज़ नहलाना चाहिए। वी शुड नॉट हिट और टीज देम। हमें ना उन्हें मारना चाहिए और ना ही उन्हें चिढ़ाना चाहिए। तो इस इन चारों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों को यही समझ में आता है कि जस्ट लाइक अस, हम लोगों की तरह जानवरों की भी देखभाल करनी चाहिए। जानवरों को जिस तरह से हम लोगों को रोज़ नहाना चाहिए, साफ सुथरी जगह में रहना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, इसी तरह से जानवरों का भी हमें बड़ी ध्यानपूर्वक से ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चैप्टर अच्छा लगे और मेरे चैनल पर आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह के जो वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।